उसके पेरेंट्स को मिलना था, हमारे हमारे बिना पूछे से आप उसके पेरेंट्स को मिल रहे हो, ये क्या बात हुई भाई? Hey family, welcome to Remora Presents Revlogs. और आज जो हम करने जा रहे हैं, it is very, very much requested. आज हम prank करने जा रहे हैं. आज हम prank करने जा रहे हैं. किस पे? Parents पे, मम्मी पापा पे. Guys ये देखो, आपने ना comment में लिखा था और इसको कितने सारे likes मिले थे, तो हमने सोचा क्यों ना ये भी किया जाए. जब भी देखो मम्मी पापा ना बोलते रहते कि री की शादी. तो भाई बड़ा मजा आएगा. तो आज हम करने जा रहे हैं I am getting married prank on my parents. Let's go. Jit lak mat kaave mera saal le jaave Snapchat hai tere filter laave 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 So guys, basically हम never have I ever खेलेंगे हमारे पेरेंट्स के सामने और ऐसे ऐसे सवाल निकालेंगे कि पेरेंट्स को बोलेंगे हम कि आपके सामने हम सब सच बोलेंगे. अच्छा फिर आएगा मेन मुद्दा जो कि है री की शादी. Let's go. So hey family, welcome to Remora presents Re-Vlog. और आज मम्मी पापा को हम साथ लेकर आए हैं उस चीज के लिए जिस चीज का दावा कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आउट. सो गाइस, हमने खेलना शुरू किया नेवर हैव आई एवर वाली गेम, क्योंकि अगर हम सीधा ही प्रैंक करते हमारे पेरेंट्स पे तो उनको हम पे शक हो जाता, तो इसलिए हमने थोड़ी देर खेली ये वाली गेम. तो एंजॉय करें. ओके सो गाइस, पहला सवाल मम्मी पापा के सामने खेल रहे हैं. मैं कह रहा हूँ आप घर पे ये बिल्कुल ना करें. नेवर हैव आई एवर स्किप द क्लास, मतलब कभी हमने स्कूल वगैरह में क्लास क्लोज या कॉलेज में स्किप किए हैं? हमने बंक मारा है कभी? हाँ, मतलब टाइप ऑफ. नेवर. मम्मी कितनी मारा? मम्मा नानी थे यार. नो, आई एम इंटेलिजेंट. आपने मारी हुई कितनी बार? रोजाना. नेवर हैव आई एवर यूज्ड अ फेक आईडी, मतलब कि जैसे आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है आपने किसी और को यू नो फेक बताया है. नहीं, have, नहीं, मैंने एक बार दिखाया था, उसको दिखाया था. मैंने दिखा के फिर शादी की थी. ओके, ये थोड़ा ऐसा अजीब सा क्वेश्चन है. ओके, शुरू करो. नेवर हैव आई एवर स्टोलन मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स, यू नो, पर्स और वॉलेट. क्या हमारे पेरेंट्स के पर्स में से या वॉलेट में से हमने पैसे कभी चुराए हैं? मैंने 10 रुपए लिए थे. हमने, मम्मी आपने भी नहीं. मम्मी सच बोल रही है यहाँ पे. बिल्कुल सच, बिल्कुल सच. यार मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं होते. आपके समझ में, मैं गरीब थी, मेरे पेरेंट्स गरीब थे. इसके पापा ने कभी पर्स ही नहीं देखा था. ये गुल्लक में रखते थे, गुल्लक में. अब थोड़े से क्वेश्चंस अनदर लेवल शुरू हो रहे हैं. हैव आई नेवर एवर, नेवर हैव आई एवर, जो भी है, नेवर हैव आई एवर ड्रिंक अल्कोहल. मैं तो आजकल रोज ही पीता हूँ, होम्योपैथी दवाई में अल्कोहल. यार पापा, यार सही बात है. अरे तो मेरे हाथ में भी अल्कोहल रहती है, हर वक्त सैनिटाइजर. वो ड्रिंक करना, अकेली अल्कोहल नहीं पी मैंने वैसे कभी. बोध का शोध का ये वो. वैसे कभी बोध का शोध का दिखे नहीं सके. आई हैव पापा, आई हैव अंडर एज. अगर तू अंडर एज नहीं होता तो देखो, शराब नहीं पीनी चाहिए क्योंकि ये हानिकारक है सेहत के लिए भी और जेब के लिए भी. नहीं पीनी, मैंने ट्राई की है लेकिन वो बहुत हानिकारक है. मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, गेम में सच बोल रहा हूँ यार. अबे की है मम्मी, ट्राई की थी. अबे की है तो की है यार, तूने कौन सा नहीं की यार. हाँ, मैंने कब की थी? आपने अपने शादी वाले दिन. आपने बोला यार मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा. हाँ तो पूछ के तो चाय भी तो पीते ना, कॉफी भी तो तू आप खुद ही ला के. थैंक यू डैड, ले लो, पी लो, पी लो. थैंक यू. आपके आपके इस महीने कोई क्रेडिट कार्ड से पैसा नहीं काटूंगा. थैंक यू यार. क्या मैंने अपने घर में स्नकिंग करवाया है किसी लड़की या लड़के को? चोरी छुपे मतलब बुलाया है. हाँ, बिना घर वालों को पता लगे. ये तूने बुलाया? अरे आप बताओ ना. पापा कहते आई है. बताओ दो कितने गर्लफ्रेंड थे आपके? बताओ. और चलो यार, मैं नहीं खेलता, ये पर्सनल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तुमको मेरी बात सुन,
अरे तुम तो पूछ के चले जाओगे सारी रात, मैंने सोना नहीं है यार। अरे भाई डॉक्टर ना, अब आपको ना कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी, आप मेरे को बता दो आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी। हाँ बता दो यार, क्या पापा आज नहीं तो कब, लॉकडाउन है वैसे भी कोई कहीं नहीं। आपको छोड़ के तो जाने वाली हूँ नहीं। भाइयों और बहनों ध्यान से सुनो, कोई भी इंसान अपनी घर वाली या बच्चों की बातों में आके अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कभी ना बताए, मर जाएगा, फंस जाएगा और जिंदा रहने लायक भी नहीं रहेगा। Don't tell anybody। गर्लफ्रेंड थी या नहीं थी, किसने लगा नहीं थी। जो गर्लफ्रेंड मेरी पुरानी है कहीं पे देख रही है तो प्लीज बुरा मत बोलना। ये तूने तब किया जब मैं लेकर आया था। ओके अगला सवाल, उसके दोस्त ही नहीं है, जो प्यार गेमर है यार। क्या मैंने किसी लड़की को या लड़के को डेट किया जो आपसे बड़ा हो? यार बाबा ने सब कुछ किया यार, वो गलती से ऊपर ऐसे हो गया। आई हैव ये मुझसे बड़े तो है 5-4। खुद को खुशी हुई है बच गए पापा। नेवर संजय, तू पूछा था हां तू इज आउट, तू नेवर। तो फिर ये जब सब नेवर है तो फिर मेरे कोई फायदा नहीं है। इसने हमेशा अपने से छोटे को साथ ही, जो डेट कुछ और होता है, डेट का मतलब समोसे खाने जाना। हाँ हाँ एक सेकंड, बात चेंज करो। नहीं नहीं नहीं, कितने लोगों को डेट की है, कितनी गर्लफ्रेंड को, ये सवाल ही नहीं है। क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस। क्या हमने अपने पेरेंट्स को अपने सच्चे प्यार के बारे में बताया? आपने अपने पेरेंट्स को कभी बताया कि मुझे इससे सच्चा प्यार है? पहले तू बताइए, तूने कब बताया? पापा 11वीं याद है, 12वीं 12वीं क्लास में मेरे साथ बंदी, मेरे क्लासमेट थी, 11th में थी वो। मैंने बताया आपको? बस पता लग गया, आगे नहीं, आगे नहीं, थैंक यू। नहीं मेरे को तो समझ लगी है। हाँ हाँ, पर वो थी क्या? क्या थी क्या? आप मतलब मैं प्यार करता था, वो ना करे, एक तरफा प्यार की कीमत तुम क्या जानो मम्मी बाबू। और यार मैंने सच्चा प्यार कभी किया ही नहीं, आज तक भी नहीं किया यार। बाबा ये सीरियल करते थे, इतने सीरियल किए इन्होंने, जितने भी सीरियल मैंने क्या, इसका मतलब मैंने 20-25 गर्लफ्रेंड थी यार, वो गर्लफ्रेंड थी सिंपल यार। तो भी इनकी हीरोइन होती थी, उसको घर पे लेके आते थे, मम्मी को कहते थे मम्मी ये आपको पसंद है, मम्मी कहते नहीं नहीं मेरे को ये नहीं पसंद, तो मैं फिर दूसरी ले आता था। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नेवर नेवर NEVER। अरे आपका नेवर कैसे हो गया यार? ये आप चले जा रहे हैं। आई हैव वन, ओ नहीं यार आई हैव वन। अच्छा क्या हमने अपने पेरेंट्स को कभी बताया कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ? मैं तो अब भी बोलने को तैयार हूँ यार। यार इन्होंने बताया था अपने पेरेंट्स को कि हाँ मम्मा बोल रहे थे ना कि शादी कर लो कर लो, तो अब मेरे पास लड़की है, मैं शादी कर रहा हूँ। कौन सी चली गई फिर वो? नहीं अच्छा तेरी बार भी बता दिया था मैंने। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ये नेवर हैव आई एवर जो हम गेम खेल रहे हैं मॉम एंड डैड, ये एक्चुअली हमारी वीडियो का टाइटल नेवर हैव आई एवर नहीं है, हमारी वीडियो का टाइटल है मी सरप्राइजिंग माय पेरेंट्स बाय टेलिंग देम दैट आई एम ऑलरेडी इन लव विद अ गर्ल एंड उसके पेरेंट्स से मेरी बात हो चुकी है। एक मिनट है, वो मजाक नहीं करता भैया, मजाक नहीं कर, एक मिनट सीरियस गल कर रहे हैं हमें। अरे मजाक नहीं कर रहे हैं मामा, एक मिनट कट कर, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी उसके पेरेंट्स के साथ भी बात हो चुकी है एंड बेसिकली दे आर फ्रॉम कैनेडा एंड वो लोग जाने वाले हैं विद इन लाइक 2-3 वीक्स। आपने मुझे लिविंग रिलेशनशिप बोली थी, ये लिविंग में कब चला गया? लिविंग एक मिनट है, गलत कर लेने, एक मिनट यार, नहीं डूडी एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं 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 तो सुन लो कि कैसे, अरे तो अभी तो लिविंग में रहना क्या सारी जिंदगी? तो बेसिकली लड़की का नाम है अंजलि, जलंधर की है वैसे, और शी लिव्स इन, मैं वो कर दूंगा, प्रकाश नगर। और आपको याद है मैं फरवरी में यहाँ पे आया था, इसलिए आया था बिकॉज उसके पेरेंट्स को मिलना था। नहीं उसके पेरेंट्स को मिलना था, हमारे बिना पूछे से आप उसके पेरेंट्स को मिल रहे हो, ये क्या बात हुई भाई? दिस इज रॉन्ग, नहीं दिस इज वेरी रॉन्ग ब्रो, आप नहीं ये बात नहीं कर सकते, आप ऐसा क्या है, ये थोड़ा ना होता अपनी मर्जी से, आप जो आपका मन करेगा आप वो कर लोगे, आप डिसीजन अपने आप ले लोगे। नहीं Why? अरे मैं जस्ट उसके पेरेंट्स को मिला हूँ यार। नहीं पेरेंट्स को आप कैसे पहले मिले ये बताओ मेरे को, आप कैसे मिले उनके पेरेंट्स को, आप कैसे मिले पहले?
अरे क्योंकि वो नॉर्मली ऐसा नहीं मिला कि भाई आपकी लड़की से मेरे को करनी है टाइप, ऐसा नहीं मिला मैं। बताना चाहिए, ऐसे थोड़ा होता है कि अपने आप सब डिसीजन ले लो आप। दिस इज रॉन्ग। मुझे भी नहीं बात करनी आपसे। आप इसको अपनी बेस्ट फ्रेंड मानते हो तो इससे भी क्यों नहीं बात की आपने भाई? उन्होंने मुझे मम्मा लिविंग रिलेशनशिप का बोला था, ये कब आपकी बात हुई ये मुझे बताना। इन्हें लिविंग रिलेशनशिप में कब आ गया ये भी बता। अरे मेरे कहते कि मैं शादी नहीं करूंगा, लिविंग में रहना चाहता हूँ, मुझे शादी पहले कभी करनी ही नहीं। आपने मुझे ये नहीं बोला था? हमने ऐसा करना ही नहीं है कि बच्चा हमारा लिविंग में रहे उसके साथ शादी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप उसके साथ शादी करोगे फिर उसके साथ रहोगे, बस बात खत्म। हाँ तो मैं वही शादी की तो बात कर रहा हूँ। कौन है वो बताओ ना मेरे को, तुम दिखा कौन है वो लड़की। उस तो बात कर लेने ना, एक बार खत्म। क्या कर ले खत्म? एक बार खत्म करके फिर गल कर लेने ना उनके बारे, कुछ और शूट कर लेने फिर। फाइनली कर दिखाया कहाँ। पापा कहते मेरा मुंडा बिगड़ गया, मेरा मुंडा हाय देखो। तूने क्या रिएक्शन दिया यार? सॉरी गाइस मैं हंसी नहीं कंट्रोल कर पाया। कैसा लगा? नाइस प्रैंक। इनको कोई पानी पुनी पिलाओ, ये तो घबराहट। लेकिन इट वाज अ प्रैंक, डोंट गाइस। अब इनको मेरे लगता है नॉर्मल। यार ऐसा मत करना यार, ऐसा प्रैंक मत करना पापा के साथ कम से कम। सो फैमिली परंपरा को आगे बढ़ाना है और इस चैनल को 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके जाना है। इस वीडियो को लाइक देना 202K, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के जो रिएक्शन थे उस पे मुझे बहुत मजा आया। फैमिली हमारे पेरेंट्स को ना प्रैंक करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये लोग मेरे सारे चुटकुले खराब हो गए यार। लव मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लव मैरिज कर सकते हो, लेकिन 4-5 साल उसके साथ बिता के उसको देखो, उसकी नेचर समझो, उसके बाद में, क्योंकि जिसके साथ जिंदगी बितानी ना बेटा, उसके साथ कच्चे लव में मत शादी करना। तो आपने क्यों की?